Hey guys, welcome to my channel. In this video, we will study what is AoStar algorithm. And in this video, we will see what is the meaning of AoStar algorithm, what are the similarities and differences between A-star and AoStar algorithm. हमने लास्ट वीडियो में A-star algorithm कवर कर लिया था, इसलिए हम इन दोनों की similarities and differences को देखेंगे. Next, we will understand the examples that are related to AoStar algorithm. और इसमें एक term use होता है problem reduction, वो भी हम समझेंगे. Although we have covered that topic problem reduction in a separate video also, if you haven't seen that video, then you can click on that I button. Next, we will understand the algorithm using one of its examples. So let's get started with AoStar. As the name suggests, AoStar. AoStar का मतलब क्या है? AO मतलब basically है and या or. इसमें आपकी and और args use होती है. एंड और का कॉन्सेप्ट मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम रिडक्शन वाली वीडियो में बताया था, बहुत डिटेल में बताया. उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स लेके हमने डिस्कस किया है कि एंड आर्क कैसे बनती है और आर्क कैसे बनती है. तो प्लीज उसको जाके देखना, उसके बाद आपको ये वाला कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. एंड और आर्क्स होती क्या है एंड इन दोनों को कैसे यूज करना है, इसका कॉन्सेप्ट का मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ. हम ये पहले ऑल दो कर चुके हैं कवर. प्रॉब्लम रिडक्शन में होता क्या है, एक आपके पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है. कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आप क्या करोगे, यू विल डीकम्पोज, यू विल डिवाइडेड इनटू सब प्रॉब्लम्स. उनको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दोगे. क्यों कर दोगे डिवाइड? बिकॉज सब प्रॉब्लम, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, तो आप क्या करोगे, उनको छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दोगे. मतलब आपके पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसको आप स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, सो दैट उन स्मॉलर पार्ट्स का सोल्यूशन मिलना आपको क्या होता है, इजी होता है. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. इसमें क्या होता है, इसमें आप ऐसे बोल सकते हो कि आपके पास एक गोल सेट होता है, उस गोल सेट को आप डीकम्पोज करोगे इनटू इट्स सब गोल्स. तो यहाँ पे ये काम बेसिकली हमें करना है इन प्रॉब्लम रिडक्शन. हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं, उसमें हम एंड और आर्क्स को यूज करेंगे. ओके, वी विल टेक द सेम एग्जांपल दैट वी हैव टेकन इन द वीडियो ऑफ प्रॉब्लम रिडक्शन. ओके, सो हियर वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ प्रॉब्लम रिडक्शन, ताकि हम एंड और आर्क्स का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइज कर सके. सेम एग्जाम्पल हमने इसलिए लिया है सो दैट यू कैन एबल टू रिलेट द कॉन्सेप्ट. और इसमें एक बार ही इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार एक चीज बता देती हूँ. किसी भी आर्क्स में, दो आर्क्स में, सपोज ये ट्री है, उसकी ये दो आर्क्स हैं, इन दोनों आर्क्स में या तो और रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी या फिर एंड. तो अगर वो और रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है तो ट्री आप ऐसे बनाएंगे, अगर एंड रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है तो आप एक यहाँ पे ये वाला सिंबल बना देंगे, दिस रिप्रेजेंट एंड आर्क. इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, एंड. तो किसी भी, जब भी हम प्रॉब्लम को डीकम्पोज करते हैं, अभी हमने पढ़ा था प्रॉब्लम को गोल स्टेट को गोल्स में डीकम्पोज करना है, ये हमारा मेन सपोज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इसको हमने सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया सो दैट हमारा टास्क इजी हो जाए, हम सॉल्यूशन इजीली फाइंड कर सके. तो इसके एग्जांपल से हम ये समझते हैं, देखो किसी भी दो आर्क्स में या तो और रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी या फिर एंड, मतलब दो ही टाइप की रिलेशनशिप्स हो सकती हैं अगर हम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे हैं. तो जितनी भी सब प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगी उनमें दो टाइप की रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी, और या फिर एंड. तो हम इस एग्जांपल में यहाँ पे हम एंड रिलेशनशिप एग्जिस्ट करवाएंगे. व्हाई? बिकॉज जब भी हम ब्लॉग क्रिएट करेंगे आपको दोनों काम करने पड़ेंगे, ऑडियो भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी और वीडियो भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी. और ऑडियो के लिए या तो आप ये काम कर सकते हो इनबिल्ट माइक से कर सकते हो रिकॉर्ड, या फिर एक्सटर्नल माइक से. तो यहाँ पे एंड सिंबल नहीं आ रहा है. और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इधर यू कैन यूज फ्रंट कैमरा और यू कैन यूज रियर कैमरा. तो इसलिए यहाँ भी और रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे ये वाला सिंबल नहीं आ रहा है. तो आपको बस ये ध्यान रखना है ये वाली कौन सी आर्क्स है, ये एंड आर्क्स. तो यहाँ पे ये वाला एग्जांपल बताने का मेन पर्पस ये था कि जब भी कोई रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं, उनमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर वो हम सॉल्व करवाना चाहते हैं तो हमेशा उसमें कोई भी एक टाइप की प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करेगी, वहां पे हमेशा दोनों टाइप की प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगी, एंड भी करेगी एग्जिस्ट और भी करेगी. तो इस केस में, एंड और के केस में हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है एओ स्टार एल्गोरिथम. रियल लाइफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमेशा कॉम्बिनेशन होगा एंड और आर्क्स का. एंड और ग्राफ के लिए हम हमेशा एओ स्टार एल्गोरिथम प्रेफर करते हैं. एक एग्जांपल लेके देखते हैं छोटा सा, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि एंड और ग्राफ को कैसे बनाना है और उसमें एओ स्टार को कैसे यूज करना है. ओके, सो लुक एट दिस एग्जांपल. इस एग्जांपल में 8, 9, 5 और 6 आपको ह्यूरिस्टिक्स गिवन है, क्योंकि एओ स्टार क्या है, एक ह्यूरिस्टिक सर्च मेथड है. ये आपको अप्रोक्सीमेशन बोल सकते हो आप इनको, या फिर एस्टिमेशन बोल सकते हो.
ह्यूरिस्टिक्स क्या होता है ये हम अपनी एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ह्यूरिस्टिक्स देन यू कैन क्लिक ऑन दैट आई बटन एंड आपको मिल जाएगा ह्यूरिस्टिक्स की डेफिनेशन, एग्जाम्पल सब कुछ। इसमें अगर हम मिनिमम पाथ देखें तो हमारा मिनिमम क्या हो जाएगा, सी। नोड सी तक जाने के लिए हमें 5 एस्टिमेशन वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, बट अपनी जो रूट नोड है आर नोड, इस आर नोड से हमें डी तक जाने के लिए 6 की रिक्वायरमेंट है। अब हमने ये वाला क्यों कंसिडर किया, बिकॉज यहाँ पे एंड आर्क लगी है। अगर आप ये वाला कंसिडर करोगे साथ में आपको ये वाला भी कंसिडर करना पड़ेगा, तो ये टोटल कितना हो गया, 11 ह्यूरिस्टिक वैल्यू लगेगी अगर आप नोड सी पर जाना चाहते हो तो। बट मिनिमम इस केस में फिर क्या आ गया, नोड 8, क्योंकि इस केस में एंड और आपका कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो हम ये वाला पार्ट डिस्कार्ड करेंगे और वी विल चूज R2A। तो ऐसे यूज होता है ये, मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया आपको एंड और आर्क में करना क्या होता है। अगर आप R2C जा रहे हो और एंड आर्क लगी है तो आपको R2D जाना ही पड़ेगा, ओके। बट और में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आप अगर 8 चूज कर रहे हो और 8 मिनिमम है तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। बट इंडिविजुअली ये दोनों मिनिमम थे 8 से, बट अगर हम इनको कंबाइंड देखेंगे, बिकॉज वी हैव टू सी द कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पे एंड आर्क लगी है। बस बेसिकली छोटा सा यही मेन कॉन्सेप्ट है, जहां पे एंड आर्क लगी है वहां पे आप दोनों नोड्स को कंसिडर करोगे, अगर और आर्क लगी है तो आप सिंगल नोड को कंसिडर करोगे। इसका मेन एग्जाम्पल हम एल्गोरिथम में देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, बट उससे पहले वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन ए स्टार एंड एओ स्टार। सो लेट्स डिस्कस द सिमिलैरिटीज बिटवीन ए स्टार एंड एओ स्टार, एंड आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव सीन द वीडियो ऑफ ए स्टार। तो सिमिलैरिटीज क्या है, फर्स्ट वन इज दोनों ही क्या यूज करते हैं, दे बोथ यूज ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स मतलब मैंने आपको बता दिया एप्रोक्सीमेशंस या फिर एस्टिमेशंस, एंड सेकंड इज दे बोथ यूज इनफॉर्म्ड कंट्रोल सर्च स्ट्रेटजी। इन्फॉर्म कंट्रोल सर्च स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, वी हैव सम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सम ह्यूरिस्टिक्स। अगर आप ह्यूरिस्टिक वाली वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा इन्फॉर्म कंट्रोल सर्च स्ट्रेटजी एंड अनइन्फॉर्म कंट्रोल सर्च स्ट्रेटजी, दो टाइप की कंट्रोल सेल स्ट्रेटजीज होती हैं, और ये वाली कौन सी यूज करते हैं, इन्फॉर्म कंट्रोल सेल स्ट्रेटजी। उस वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फॉर्म कंट्रोल सेल स्ट्रेटजी। तो यही दो बेसिक इसकी सिमिलैरिटीज हो गई। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो एओ स्टार एल्गोरिथम, अभी हमने देखा था कि वो सारे पाथ को एक्सप्लोर नहीं करता, इट डज नॉट एक्सप्लोर ऑल पाथ, बट ये क्या करेगा, ये सारे पाथ को एक्सप्लोर करेगा, और ये क्या प्रोवाइड करवाएगा, ये प्रोवाइड करवाएगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब है कि अगर हम ए स्टार एल्गोरिथम को यूज करेंगे तो हमें एक शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा, बेस्ट पॉसिबल पाथ मिलेगा। सो दिस वाज द डिफरेंस। सेकंड वन इज इट इज यूज्ड टू फाइंड ओनली द सिंगल सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, बट इसमें हमारे पास मोर देन वन सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ये सिर्फ और ग्राफ के लिए यूज होता है, और ये किसके लिए हो सकता, ये दोनों के लिए यूज होता है, एंड और ग्राफ के लिए, ये मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में। दीज आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन ए स्टार एंड एओ स्टार। सो नाउ लेट्स डिस्कस इट्स एल्गोरिथम। टू अंडरस्टैंड इट्स एल्गोरिथम वी विल टेक टू एग्जांपल्स। फर्स्ट इस एग्जांपल वन में क्या हो रहा है, आपके पास सी और डी के बीच में एंड आर्क लगी है, और 111 क्या है, ये है कॉस्ट वैल्यू। कॉस्ट वैल्यू हर नोड की एक दूसरी नोड तक कितनी है, 1। वन क्या है यहाँ पे, कॉस्ट वैल्यू। कॉस्ट वैल्यू मतलब एक नोड से दूसरी नोड तक जाने के लिए आपको कितनी वैल्यू की जरूरत है, 1। तो ये क्या हो गया आपके पास, कॉस्ट वैल्यू, और ये जो दी हुई है ये है ह्यूरिस्टिक वैल्यू। तो अगर आप देखो एक ही ह्यूरिस्टिक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, कॉस्ट वैल्यू प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यू उस पर्टिकुलर नोड की। फॉर एग्जाम्पल पहले इस एग्जाम्पल में देखो, आपके पास इन दोनों के बीच में एंड आके, तो ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपका एंड पार्ट, और बाकी जो बचा डी वाला पार्ट वो क्या बचा आपके पास, और पार्ट। तो इस और पार्ट को आपको या तो और पार्ट को सॉल्व करोगे आप, या फिर एंड पार्ट को सॉल्व करोगे। तो हम वन बाय वन चलते हैं, वी विल स्टार्ट विद और पार्ट। एक ही ह्यूरिस्टिक देखते हैं, बी से 7+1, मैंने अभी बताया कॉस्ट प्लस ह्यूरिस्टिक, तो एक ही ह्यूरिस्टिक वैल्यू बी से कितनी हो जाएगी, 8। और अगर हम इसको देखें तो 5+1 कॉस्ट प्लस ह्यूरिस्टिक, 5+1 कितनी हो गई, 6। 6 प्लस क्योंकि एंड आर्क है, तो ये हो गया 4+1 कितना हो गया, 5। टोटल कितनी वैल्यू है इसकी ह्यूरिस्टिक, अगर हम एंड पार्ट में देखते हैं तो इसकी ह्यूरिस्टिक है 11। विच वन इज मिनिमम, 8 इज मिनिमम। तो वी विल एक्सप्लोर और पार्ट।
बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एंड है तो आपको वो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ये था बहुत छोटा एग्जांपल। अब हम एक थोड़ा सा इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देखते हैं। इसमें भी आपके पास कॉस फंक्शन वैल्यू वन है, हर नोड से दूसरी नोड तक जाने के लिए आपको कॉस फंक्शन वैल्यू वन की जरूरत है। ये आपकी ह्यूरिस्टिक्स दी हुई है। अब हम इनकी ऊपर वाली नोड्स की ह्यूरिस्टिक फाइंड करते हैं। 9 + 1, इनकी आपको कुछ ना कुछ ओरिजिनल ह्यूरिस्टिक्स दी होंगी। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं ले रही ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपको ओरिजिनल ह्यूरिस्टिक दी है, फॉर एग्जांपल एम की आपको 10 ह्यूरिस्टिक दी हुई है, तो आप अपनी नई ह्यूरिस्टिक फाइंड आउट करोगे कैसे। कॉस प्लस ह्यूरिस्टिक, कॉस कितनी है 1 + 9 = 10, और यहाँ पे एंड ऑफ लगी है तो आपको ये दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे। ये दोनों सॉल्व करने के लिए 14 + 1 = 15, तो आपकी 10 की जगह क्या हो जाएगी अब 25। 10 + 15 = 25, तो ऐसे आपको नई ह्यूरिस्टिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप अगर इस वाले एग्जांपल में देखोगे, जैसे इसमें और पार्ट और एंड पार्ट था, इसमें एंड पार्ट कौन सा है, इसमें ये पूरा एंड पार्ट है और इसके अंदर भी सब एंड पार्ट आपको दिख रहा होगा, और ये वाला पूरा आपका और पार्ट है, बिकॉज इसके और इसके बीच में कोई भी एंड आर्क नहीं है। इन दोनों के बीच में एंड आर्क है तो ये पूरा एंड पार्ट हो गया। तो या तो आपको सोल्यूशन एंड पार्ट से मिलेगा या फिर और से, तो एक बार देख लेते हैं। तो यहां तक हमने कर लिया 25। अब देखते हैं एल की ह्यूरिस्टिक 25 + 1 = 26, ठीक है। नेक्स्ट आर से देखते हैं, आर 3 + 1 = 4। अगर एम की कोई भी ह्यूरिस्टिक वैल्यू दी होगी तो आप उसको कैंसिल आउट करके अपनी वाली कैलकुलेटेड ह्यूरिस्टिक वैल्यू लिखोगे। फॉर एग्जांपल अगर एम की 7 दी होती बट आपकी क्या दी है 3 + 1 = 4, तो आप 4 कंसिडर करोगे यहाँ पे। तो यहां तक n से कैलकुलेट हो गया। अब l की कैलकुलेट करते हैं n से, तो दिस वन इज 5 फ्रॉम n, तो इस पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा और 5 के साथ ऐड करना पड़ेगा, तब हमारे पास इस पूरे पार्ट की वैल्यू आएगी। समझ आ रहा है आपको, बिकॉज यहाँ पे एंड आर्क लगी है, तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, इसको भी सॉल्व करोगे, उन दोनों को समेशन करोगे ताकि आपके पास इसकी ह्यूरिस्टिक आ जाए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, o को सॉल्व करोगे, जैसे ये सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करा हुआ है ना, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल देखा था कि कॉम्प्लेक्स को सब प्रॉब्लम्स में कैसे डिवाइड करते हैं ब्लॉक्स वाले में, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। इसमें देखो ओ की सब पार्ट क्या है, एस एंड टी, तो इसको सॉल्व करते हैं, ओ की ह्यूरिस्टिक निकालेंगे तो 2 + 1 = 3, बट क्योंकि यहाँ पे एंड आ गया तो 3 + 1 = 4 + 3 = 7, तो ओ की क्या आ गई ह्यूरिस्टिक 7। अब क्योंकि इसकी आई थी 4 + 1 = 5, ये हम कर चुके हैं, 7 + 1 = 8, तो L की फाइनल क्या आ गई 13। तो L की फाइनल क्या आ गई 13। विच वन इज मिनिमम 13 1, इसमें हम कौन सा पार्ट एक्सप्लोर करेंगे, वी विल एक्सप्लोर द एंड पार्ट, क्योंकि इसमें हमें मिनिमम ह्यूरिस्टिक वैल्यू मिल गई है। ओके, सारी कॉस्ट फंक्शन वैल्यू 1 तो आप कंसिडर करोगे ही, साथ में इनकी अगर एंड आके जहां जा बस वहां पे आपको ऐड करना है और आपकी ह्यूरिस्टिक आ जाएगी नई वाली। अगर आपको पहले से ही कोई ह्यूरिस्टिक दी हुई है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं डी ई एंड एफ, इन दोनों में एग्जांपल ले लेते हैं। आपको सपोज डी की ह्यूरिस्टिक दी हुई है 13, ई की दी हुई है 2, एफ की दी हुई है 3, कॉस फंक्शन वैल्यू 1 1 लेके चलेंगे, तो इसकी क्या हो गई 2 + 1, यहाँ पे एंड आते तो 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4 + 3 = 7, तो आप इसको कैंसिल आउट करके अपनी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेटेड ह्यूरिस्टिक वैल्यू कंसिडर करोगे, तो डी की ह्यूरिस्टिक क्या हो गई 7। तो आपको बस यही काम करना होता है। सो दिस वाज इट्स एल्गोरिथम एंड वर्किंग, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आर एंड और ग्राफ्स एंड व्हाट इज AO स्टार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए एंड ओ इन AO स्टार एल्गोरिथम, एंड व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज ऑफ ए स्टार एंड AO स्टार, एंड लास्टली इट्स वर्किंग। So if you have found this video as informative, then please hit the like button and please subscribe to my channel, and thanks for watching. See you in the next video. Bye for now.